नेक्स्ट इज फ्रैक्शन फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द फॉलोइंग शेप इज कट इन टू हाफ कौन सी हाफ में है एग्जेक्टली सेम अमाउंट इन दोनों में इसमें ज्यादा इसमें कम है इसमें ज्यादा इसमें कम इसमें इसमें ज्यादा कम है और ये सेम अमाउंट में है इसलिए द फॉलोइंग शेपाइड इन क्वार्टर क्वार्टर क्या होता है ऑब्जेक्ट का फोर्थ वाला हिस्सा अब जेट चारों इक्वल साइज में होने चाहिए ये अनइक्वल में है ये भी ये भी और इसलिए ये फोर्थ हिस्सा कवर है इसमें है तो फन ये अलग अलग साइज का है इसलिए आंसर इज दैट विच पार्ट इज गेडेडेड कितने शेड क्यू है अभी हमने ये याद रखना है की अगर यहाँ पे शेडेड है तो हमने पहले शेडेड बॉक्स काउंट करने है तो फिर डोमिनेट नीचे वाला के टोटल पार्ट कितने है? अगर अनशेडेड है तो वो मैं आपको बताती हूँ कितने हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेल्व आंसर इज सिक्स बाय ट्वेल्व फिगर इज करेक्टली शेडेड वन बाय सिक्स अनप्रपोर्शनल ये भी अनप्रपोर्शनल आंसर इज दैट वन

अगर अनशेडेड पार्ट है तो न्यूमिनेटर वो अनशेडेड पार्ट नंबर ऑफ नेक्स्ट इन विच फ्रैक्शन इज गिवन द शेडेड पोर्शन वन कलर है और दो उसके पार्ट है ना चार पार्ट है ना तीन पार्ट है इन विच फिगर डज नॉट पार्ट रिप्रेजेंट वन बाय थ्री डज शेडेड पार्ट वन बाय थ्री ये भी अनईक्वल है ये अनइक्वल तो है लेकिन में वन बाय सिक्स है वो नहीं है इसलिए ये भी नहीं है और दिस वन क्योंकि ये फोर पार्ट है ये सर विच फ्रैक्शन इज स्क्वायर इज अनशेडेड वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बाय सिक्सटीन ये हमने स्क्वायर ध्यान से बनाने हैं उसको ये फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसको आप ध्यान से देखोगे तभी पता लगेगा राइट ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शेडेड पार्ट पार्टन टू थ्री फोर टोटल कितने हैं पार्ट कितनेट फ्रैक्शन बस हमने ये ध्यान रखना है कि जो शेडेड पार्ट है कि अनशेडेड पार्ट है इसको हैं ध्यान रखना है तो कितने शेड किए हुए हैं थ्री टोटल कितने हैं फाइव द फ्रैक्शन इज इंडिकेटेड अगेंज दिगर विच फिगर डज नॉट मैच द इंडिकेटेड फ्रैक्शन वन बाय थ्री फॉर्मोइ फिगर नेमडेड पार्ट इन कोई फोर इन को भी इक्वल पार्ट ये भी इक्वल पार्ट ये भी इक्वल पार्ट एग्जामिन द फिगर बिलो एन आंसर फिफ्टी वन टू सेवेन्टीन विच विच फिगर रिप्रेजेंट द ग्रेटर शेडर किसमें सबसे ज्यादा शेड किए हुए हैं फोर्थ वाले में इक्वली शेडेड जिसमें इक्वल शेड किए हुए हैं दो ए वाला फर्स्ट वाला ये भी सेकेंड और थर्ड ये भी इक्वली तीन पार्ट है ये भी तीन पार्ट नेक्स्ट वन विच थ्री बाय फोर इज फोर्थ वन एंड द आंसर इज

कंटेंट आंसर इज वाई इन डैश ऑफ द अनशेडेड अब अनशेडेड अनशेडेड ऊपर आएगा और टोटल नंबर ऑफ नीचे अब शेडेड है तो बाय सिक्स द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर एज सेम एज मतलब दो पार्ट उसके हो है टू बाय फोर की रेशियो हो तो ये है हाउ मेनी वन बाय थ्री दन होल वन बाय थ्री को टेक करने के लिए कितना चाहिए हमने वन थर्ड फर्स्ट स्टार्टिंग में किया था ना थ्री विच द फॉल्वइंग फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट ओग्रेशन हमने फ्रैक्शन देखना है हमने डोमिनेटर है नुम, है डिनोमिनेटर वो सेम है ऊपर वाले में हमने सीक्वेंस देखना है सिक्स एट नाइन हाँ अगर ये अलग अलग है तो वो थर्ड में क्लास में करते हैं कि तो फिर एलसीयम निकालना पड़ता है अभी आप लोगों ने एलसीएम नहीं सीखा इसलिए इस ऊपर न्यूमिनेटर को ही चेक करना है कि उसकी सीक्वेंस को चेक कर लेना अमृता कट अ पिजा एट सीक्वल ही एट सिक्स थ्री पीसेस अब एट थ्री खा लिए तो कितने बड़े फाइव बाय एट ये अब सब्रैक्शन आ गई सेवन बाय थ्री बाय सेवन एंड डैश वन मेक्स अ वन होल फोर बाय सेवन रजत कलर्ड टू बाय सेवन सब बिग सर्कल और वन बाय सेवन